फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और सबसे पहले उन्होंने वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से हुए हादसे पर शोक जाहिर किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की विजय को अभूतपूर्व विजय बताया है और कहा है कि बीजेपी को हिंदी पट्टी की पार्टी कहने वालों को कर्नाटक की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी बनाकर जवाब दिया है और ये साबित हुआ है कि बीजेपी हिंदुस्तान के हर क्षेत्र और हर तबके के लोगों की पार्टी है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए कर्नाटक की जनता का धन्यवाद दिया और 40 से 104 सीटों पर पहुंचाने के लिए सबका आभार जताया। कर्नाटक में आज जनता का फैसला सबके सामने आया है और दिन भर इसे लेकर बेहद दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आई। बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लेकिन बहुमत यानी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने के आंकड़ों से दूर है। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वहीं कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव से कई सीटों के नुकसान के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। तीसरे नंबर की पार्टी जेडीएस को भी सीटों के लिहाज से कुछ नुकसान हुआ है लेकिन करीब 37 सीटों के साथ यहां किंग मेकर नहीं बल्कि खुद कर्नाटक का किंग बनने की उम्मीद लिए एचडी कुमार स्वामी जिन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। राज्य की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया, हालांकि बावजूद इसके बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से कुछ सीटें पीछे रह गई। कर्नाटक में बीजेपी 104 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस पर राज्य की जनता ने भरोसा नहीं जताया। कांग्रेस 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, वहीं जेडीएस 37 सीटें लाने में कामयाब रही। रुझान और नतीजों के स्पष्ट होने के बाद राज्य में सरकार बनाने के लिए तेजी से घटनाएं घटी। सबसे पहले कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए आनन-फानन में जेडीएस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जेडीएस ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के समर्थन को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कुमारस्वामी और कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल वजूभाई वाला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने का फैसला किया लेकिन जेडीएस और कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करते उससे पहले ही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की और कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने राज्यपाल से दावा पेश करते हुए कहा कि नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ऐसे में सरकार बनाने का पहला मौका बीजेपी को मिलना चाहिए। Just now, we met Governor Anand Kumar, myself and all our leaders, and because you have got single largest party, and he allowed us to prove our majority in the assembly. So, we have given the representation, and we take proper decision. येदियुरप्पा की राज्यपाल से मुलाकात के फौरन बाद जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धरमैया भी राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इन नेताओं ने दावा किया कि जेडीएस और कांग्रेस के पास मिलकर बीजेपी से ज्यादा सीटें हैं और ये आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी संख्या बल से भी ज्यादा है। जेडीएस ने कांग्रेस के समर्थन से जुड़ा पत्र भी राज्यपाल को सौंपा। कांग्रेस ने जेडीएस को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है और कहा है कि एचडी कुमार स्वामी ही मुख्यमंत्री होंगे। एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी हैज टेकन अ डिसीजन टू सपोर्ट जेडीएस गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट with the help of the Congress. That is the decision we have taken. The Congress has resolved. JDS और Congress को मिलाकर नंबर बनता है। हम 117 MLAs बनते हैं और सरकार बनाने के लिए 111 ही चाहिए क्योंकि तीन जगहें खाली हैं और बीजेपी के साथ पास सिर्फ 104 सीटें हैं तो हम उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो हमने कहा कि चूंकि हम सत्ता में थे, हम हार गए, तो इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम
समर्थन देंगे जेडीएस को सरकार बनाने के लिए और मुख्यमंत्री उनका होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या डिटेल होंगे, कैसे हम सरकार चलाएंगे, वो बाद की बात है, लेकिन अभी इतना ही तय है। जेडीएस जो देवीगौड़ा जी से और कुमारस्वामी जी से बात हुई कि आप चीफ मिनिस्टर बनो, आप क्लेम करो, हम भी गवर्नर को लिख के देते हैं, हमने गवर्नर को लिख के दिया है, और आप भी स्टे क्लेम करो सरकार बनाने। और आइए समझते हैं कि कर्नाटक के रण में किस तरह की तस्वीर उभर कर नतीजों में सामने आई है। कर्नाटक में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ है। 222 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कांग्रेस 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही है। वहीं जेडीएस को 37 सीटें मिली हैं। 3 सीटें अन्य दलों और निर्दलीय के खाते में गई हैं। अगर 2013 से तुलना करें तो बीजेपी 64 सीटों का बीजेपी को फायदा हुआ है। 2013 में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस 44 सीटों का नुकसान कांग्रेस ने उठाया है। 2013 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, उसे 122 सीटें हासिल हुई थी। वहीं इस बार 78 सीटें हासिल हुई हैं कांग्रेस को। इसके अलावा जेडीएस को भी 3 सीटों का नुकसान हुआ है। 2013 में जेडीएस को 40 सीटें मिली थी। एक नजर वोट शेयर पर डालेंगे। कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसे कांग्रेस से 26 सीटें ज्यादा मिली हैं, लेकिन वोट फीसदी के मामले में कांग्रेस आगे रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 38 फीसदी वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी को 36.2 फीसदी वोट मिले हैं। जेडीएस को 18.4 फीसदी वोट मिले हैं, जबकि अन्य के खाते में 7.4 फीसदी वोट गए हैं। तुलना करें पिछले विधानसभा चुनाव से, 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 19.89 फीसदी वोट मिले थे, यानी इस बार बीजेपी के वोट शेयर में 16.31 फीसदी का इजाफा हुआ है। वहीं कांग्रेस को 2013 के चुनाव में 36.59 फीसदी वोट मिले थे, यानी कांग्रेस के वोट शेयर में भी 1.41 फीसदी का इजाफा हुआ है। जबकि 2013 में जेडीएस को 20.19 फीसदी वोट मिले थे, इस बार जेडीएस का वोट शेयर तकरीबन 0.25 फीसदी बढ़ा है, लेकिन सीटों में कमी आई है। और अब बात कर्नाटक के बड़े नेताओं की जिनकी सीटों पर सबकी नजरें टिकी थी। सबसे पहले बात बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के दावेदार बीएस येदियुरप्पा की। येदियुरप्पा शिकारीपुरा सीट से 35,397 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया चामुंडेश्वरी सीट से हार गए हैं। उन्हें जेडीएस उम्मीदवार जीटी देवेगौड़ा ने 36,042 वोटों से हराया है। वहीं बादामी सीट पर सिद्धरमैया ने बीजेपी के बी श्रीमारलू को 1,696 वोटों से हराया। वहीं जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी रामनगरम सीट से 22,000 से ज्यादा वोटों से जीते। चन्नापटना सीट से भी कुमार स्वामी करीब 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। बीजेपी के बड़े नेता, इसके अलावा अगर बड़े नेताओं पर नजर डालें तो बीजेपी के बड़े नेता जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ मध्य से निर्णायक वोटों से आगे चल रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस का महेश नलवाड़ की चुनौती थी। इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री के एस ईश्वरप्पा ने शिमोगा सीट से शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी के एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री पद पर रहे बड़े नेता आर अशोक ने पद्मनाभनगर सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेडीएस के वीके गोपाल को बड़े अंतर से हराया। बिल्लारी से बीजेपी के जी सोमशेखर रेड्डी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी परमेश्वर ने कोराटा गेरे सीट से जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के एक और बड़े नेता डीके शिव कुमार ने कनकपुरा सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने जेडीएस नेता नारायण गौड़ा को मात दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने चित्तापुरा सीट से जीत हासिल की है। उनके सामने बीजेपी के वाल्मीकि नायक की चुनौती थी। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।